गाइस वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है जनता कर्फ्यू, जो 22 मार्च 2020 को हमारे सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। तो इससे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे सक्सेसफुल रहा, और हम एक परिवार जन मिल के बातचीत करना चाहते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग अनुभव किए या क्या क्या चीज़ हमने देखा कि इसने जनता ने इसको सकारात्मक वे से देखा गया। तो चलिए, मेरे साथ मेरे भाई मिस्टर तन्मय बैनर्जी बैठे हुए हैं, इनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ ये जनता कर्फ्यू के बारे में। तन्मय, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जनता कर्फ्यू के बारे में सरकार ने जो डिसीजन लिया है, ये सही है कि नकारात्मक लगा? देखिए, सबसे पहली जो बात जो बहुत ज़रूरी है बताना कि जनता कर्फ्यू एक नीड थी, एक ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी जनता कर्फ्यू की। एक्चुअली जनता कर्फ्यू हमारे इंडियन वर्ड है, इंडियन फॉर्म आप कह सकते हो जनता कर्फ्यू का। फॉरेन में इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यूरोप, आप यूरोप की बात करो, आप जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, आप यूएसए की बात करो, ऐसे देखिए हमारे इंडियन मीडिया में ऐसे कई सारे कंट्रीज है जिनको कवर नहीं किया जाता, जैसे कनाडा भी कवर नहीं हो रहा है, यूएसए कवर काफ़ी कम हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी कुछ हो रहा है वो कवर नहीं हो रहा है। तो सारे कंट्रीज़ जो सिटीजन्स वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, वो घर में हैं, और जो भी छोटी मोटी वीडियोज़ आ रही है वो यही बता रही है कि उन लोगों ने मान लिया है कि इसका जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन है कि अपने आप को कुछ दिनों के लिए सोसाइटी से दूर करो, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ। और भारत में इस पूरे के पूरे फॉर्म को इंडियन तरीका में हमने अपनाया है, उसको नाम दिया गया है जनता कर्फ्यू। ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया में आज के टाइम सक्सेसफुल रहा है। आज सुनने में बहुत अच्छा लगा जो ये सक्सेसफुल रहा, और मैंने भी देखा कि शाम को बहुत सारे जितने भी पब्लिक है हमारे, चाहे हमने छत में देखा या फिर लोगों ने ग्रेटिट्यूड दिया, अपना ग्रेटिट्यूड पेश किया सरकार को, और इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन तन्मय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस के बारे में आप कुछ डिस्कशन थ्रोबैक दिखे। हाँ, देखिए मैं सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस, पहली बात तो मैं लोगों को थोड़ा सा सचेत करना चाहूँगा, थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूँगा। कोरोना वायरस WHO ने भी इसका नाम चेंज कर दिया, अभी COVID-19 कर दिया है। तो इसको लेकर थोड़ा सा अलर्ट होना ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कोरोना वायरस इज़ जस्ट आप कह सकते हो इसे, क्योंकि इसे WHO ने पैंडेमिक घोषित कर दिया है ऑलरेडी, मतलब इसका प्रॉपरली कोई भी वैक्सीनेशन तैयार नहीं हो पाया। वैक्सीन तो कई तैयार हो रहे हैं, कई सारे कंट्रीज़ में तैयार हो रहे हैं, रिसर्च जारी है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि मलेरिया में जो वैक्सीन हम लोग यूज़ करते हैं वो, फिर हमारे इंडिया में भी सवाई मान सिंह हॉस्पिटल जो है जो राजस्थान में है, उसने भी कुछ दिनों पहले अपने कुछ मेडिकल चीज़ों को यूज़ करके, कई सारे दवाइयों का मिक्सअप करके कुछ रोगियों को, जो शायद जयपुर में, करेक्ट 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 जयपुर में पेशेंट्स को ठीक किया है। जापानीज डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हम लोग कुछ तैयार कर रहे हैं, USA में भी कुछ प्रिपरेशन हो रही है सबको लेकर। लेकिन कोरोना से जो बचने का, जो क्योंकि इट्स एन इन्फेक्टियस डिसीज, तो किसी भी इन्फेक्टियस डिसीज से बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करें। डिस्टेंसिंग इज द बेस्ट वे। अच्छा, तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तन्मय। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, तन्मय एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा गुण रखते हैं, और आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरा भाई पॉलिटिकल साइंस में भी टॉप किए हुए, जिससे कि गवर्नर द्वारा मेडल भी मिल चुका है। तो सबसे पहले मैं तीसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये जो कोरोना वायरस का फैलाव है, जो कोरोना वायरस चाइना से वुहान सिटी से लिया गया, अभी इटली में जो इतने सारे मौत हुए, आप इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे कोई भी कंट्री इसको प्रिकॉशन करे, प्रिवेंटिव मेजर्स दे। देखिए मैंने तो शुरू में ही कहा कि जो इसका जो प्रिवेंटिव मेजर है सबसे बड़ा, जो स्टडीज़ बता रही हैं, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, स्टडीज़ हो रही हैं बट दे आर नॉट फुल प्रूफ स्टडीज़। सारी स्टडीज़ के पीछे एक तर्क दिया जा रहा है कि जस्ट ये सब रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन किसी में फुल प्रूफ आप नहीं कह सकते। प्रिवेंटिव मेजर्स का मैंने कहा डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द फॉरमोस्ट वे, उस पर बेस्ट है। वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कहना ज़रूरी है कि इटली में जिसमें डेथ ग्राफ जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि
जो इटली में जो फर्स्ट केस आया कोरोना का और यूएसए में जो फर्स्ट केस आया कोरोना का, हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। यस, बहुत क्लोज था, दो तीन दिन या आप कह सकते हैं एक सप्ताह के आसपास ही था वो दोनों केस। बट इटली ने इसे काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले लिया और यूएसए ने हाथों हाथ मेजर्स लिए इसके अगेंस्ट और कई सारे सिटीज़ में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लोगों ने समझा इसे, उन्होंने हाथों हाथ इसको एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। बट इटली गवर्नमेंट उतना फास्ट ये नहीं कर पाए और वो जल्दी से जल्दी फेज़ वन पार हुआ, फेज़ टू पार हुआ, फेज़ थ्री में लोग इंटर कर गए और अभी पूरा का पूरा जो रिजल्ट है आपके सामने है। इंडिया के केस में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो आबादी है, हमारी जो पॉपुलेशन है, दैट इज़ अ ह्यूज, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में कई सारी डिस्कशन चल रही हैं कि क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, हमारा जो मेडिकल जो हमारा जो सिस्टम है उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कई सारी भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं इंडिया को लेकर, मैं लेकिन सबको कहूँगा डोंट बी पैनिक। पैनिक होने से चीज़ें और बुरी होगी, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, देन आपके आसपास के लोग भी प्रोटेक्ट रहेंगे। अच्छा, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है ये सब चाइना में सबसे पहले पाया गया, कैसे पाया गया वो अलग की बात है। दूसरा रहा इटली जो इतने मौत हो चुका है, और तीसरा देश जो कोरोना वायरस से टारगेट करे वो है भारत। तो ईरान में भी बहुत सारा हुआ है जो काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स होना चाहिए था पहले। क्या आपको लगता है कि भारत पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स कर चुका है? ये चाहे ये पॉजिटिव केसेस जो हो रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि इतना केसेस कम दिखाया जा रहा है सरकार द्वारा? देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, सरकार अब सभी हम सभी ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग जितनी हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लास्ट दो तीन दिन पहले तक की जो न्यूज़ है वो ये बताती है कि भारत में मैं दो तीन दिन पहले की बात कर रहा हूँ 6,000 से 7,000 टेस्ट हुए, जिसमें से आपको पता है आज सुबह की न्यूज़ है कि 323 तक लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं, दे आर पॉजिटिव। दोपहर तक मैंने 350 के आसपास देखा खासकर जैसे चैनल। तो आप सोचिए एक 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर टेस्टिंग होती सिर्फ 6,000 लोगों की और उसमें भी 350 बता रहे हैं, वो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर टेस्टिंग बढ़ने लगी या टेस्टिंग एक्चुअली होने लगी तो क्या हो सकता है, कितना ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं इसके। लेकिन आज की जो काम किया गया है उसका बेसिक मोटिव यही है कि इसको स्प्रेड होने से रोका जाए और ये फैल ना पाए। इनका जो एक लंबा गैप पीरियड है इसकी वजह से कई सारे वायरस जो है वो या तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर उनकी उम्र जाएंगे, सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। अच्छा, जो मेरा चौथा सवाल आपसे रहा, ये शायद सवाल पूछना नहीं चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का सवाल नहीं है, फिर भी मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये जानवर का आह लग गया हम लोग के ऊपर? देखिए ये कहना थोड़ा सा फिलोसफिकल होगा कि जानवरों की आह लग गई है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर हम नेचुरल वे में देखें, प्रैक्टिकल वे में देखें, तो इसका हम लोग रीज़न जान चुके हैं कि ये किस तरह हमारे तक पहुंचा है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप इसी साल की शुरुआत में देख लें, 2019 का लास्ट में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में जो भयानक आग लगी, कई सारे एनिमल्स मर गए, फिर अमेजन रेन फॉरेस्ट में भी जो आग लगी कई सारे एनिमल्स मर गए, और फिर दुनिया भर में जो एनिमल्स मर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा एनिमल्स रिपोर्ट्स को देखते होंगे तो आपको पता होगा, चाहे वो IUCN की आप रेड लिस्ट देख लो, आप साइट्स उठा के देख लो, Schedule 1, Schedule 2, इंडिया में भी बड़ी मात्रा में, व्यापक मात्रा में जो एनिमल्स का जो शिकार हो रहा है, उनका हंटिंग हो रहा है, वो जारी है, कंटिन्यूसली जारी है। और जितने भी इनिशिएटिव ले लिए जाएँ, लेकिन हम लोग पूरी तरह से उसको स्टॉप करने में वे नॉट सक्सेसफुल। तो आप कह सकते हो कि वो मेजबान नहीं होती, भगवान को डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि देखिए हमारे साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे हर एक वेपन वो उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है मन ही मन, अगर आप रिलीजियसली देखोगे तो आपको लगेगा कि जहाँ पर जो भक्त होता है वो अगर कुछ कर नहीं पाता तो भगवान उसकी मदद डायरेक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आई नो इट्स क्वाइट फिलोसॉफिकल, लेकिन हो सकता है कि एक आवाज़ उनसे भी निकल रही होगी जो उसके ऊपर प्रभु तक जा रही है कि भगवान तक जा रही है कि अब हमारे लिए कुछ करो, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर अस। हाँ, मैंने ये सब देखा चाइना में या फिर इसमें न्यूज़ में कि काफ़ी जानवरों के खिलाफ ये अत्याचार हो रही है। तो जो मेरा पाँचवा सवाल आपसे रहा, जो WHO जो कोरोना वायरस तो एक नाम सा
वुहान सिटी से आया है। इसका ओरिजिनल नाम तो आप जानते हैं, कोविड-19 है, ठीक है। तो कोविड-19 के बारे में आप कुछ बोलिए। देखिए कोविड-19 पर जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी स्टडी हुई है, वो यही बता रही है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो रोग है, ये एनिमल किंगडम का रोग है। ये उनमें ये नॉर्मल है, ये होता है रोग, लेकिन हम लोग एनिमल्स के साथ इतने ज़्यादा क्लोज हो गए, आई मीन टू से कि क्लोज का मतलब उन पर इतना ज़्यादा हम लोग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, नेचर पर हम लोग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ गए। क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, जो एनिमल्स कोविड-19 से संक्रमित है, जिनको ऑलरेडी हो गया है, उससे कोई दूसरा एनिमल अफेक्टेड है और उस दूसरे एनिमल से कोई ह्यूमन अफेक्टेड हुआ है, जिससे ये ट्रांसमिट हो रहा है। दिस इज़ अ कंप्लीट विशियस साइकिल। सही है, एकदम सही। ये साइकिल शुरू हुआ है और फिर उस ह्यूमन से ये एक के बाद एक ट्रांसमिट होता चला गया है, यही हुआ है। और हम लोग अभी तक इस चीज़ को ठीक से ट्रैप नहीं कर पाए हैं कि ऐसी क्या चीज़ें रही कि उस एनिमल से ये ह्यूमन तक ट्रांसमिट हो गया, या हम लोग ऐसा कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे ये जो प्रोसेस है ये फ्यूचर में ना दोहराया जाए, इसको रोका जाए। इस चीज़ के बारे में हमें अभी तक नॉलेज नहीं हुई है, लगातार स्टडीज चल रही हैं, सब चल रहे हैं, हम लोग जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, मेरा छठा सवाल आपसे रहा तन्मय, जो मैंने सुना कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन है या पोलर रीजन या साउथ पोल रीजन में एक कुछ बात है जो कोविड-19 के बीचों बीच आ रहा है, शायद ये WHO ने कुछ बोला नहीं है, एक वहम सा पैदा हो रहा है, या फिर नहीं वहम नहीं, क्या है? ये रिसर्च हुई है वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज में रिसर्च हो रही है, और रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बेसिकली ऐसे रीजन्स जहाँ पे जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है उससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अप या एक्सट्रीम लो, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे ये वायरस ठीक से स्प्रेड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको उसके मुताबिक कंडीशन नहीं मिल रही है। अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया हो तो वो पता होगा कि कोरोना को स्प्रेडिंग करने के लिए 26-27 डिग्री का टेम्परेचर बहुत उनके लिए अफेक्टिव होता है। जो ट्रॉपिकल एरियाज में जितने कंट्रीज हैं, इंडिया इज ऑल्सो ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के बीच का एरिया में हम लोग हैं, तो उस ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत जल्दी से फैल रहा है, तो ये हो सकता है। देखिए और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडोनेशिया की आप बात करो, आप फिलीपींस की बात करो, इन कंट्रीज में उतनी जल्दी से ये नहीं फैल रहा जितना इंडिया में फैल रहा है। इनमें 3-4 पॉइंट हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलीपींस की भी जो मेडिकल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव सिस्टम है, छोटा कंट्री है, मेडिकल सिस्टम अच्छा है, और इंडोनेशिया में भी उतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा। तो फिर आप कहोगे तो ईरान का क्या केस है? यस, ईरान इज ऑल्सो केस। मैंने शुरू में ही कहा कि ये रिसर्च है, कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जो एरियाज पोल के नज़दीक हैं, जो एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट अफ्रीका, आपने अब तक नहीं सुना होगा कि अफ्रीका में बहुत रिसर्च, हाँ सही बात, अफ्रीका इक्वेटोरियल रीजन के बहुत क्लोज है, वहाँ पर जबरदस्त गर्मी पड़ती है, तो वहाँ ये नहीं फैल रहा। तो इसका कंक्लूजन इतना आप निकाल सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट फुल प्रूफ रिसर्च। रिसर्च बस यही बता रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर्स से बहुत एक्सट्रीमली लो, बहुत एक्सट्रीमली हाई में ये थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो रहा है स्प्रेडिंग करने में। नेक्स्ट सवाल जो आपसे है तन्मय, मिले जो जापान जैसा देशों में ये काफ़ी कम पाया गया, ऐसा क्यों? अब देखिए जापान, जैसे मैंने शुरू में कहा कि काफ़ी अच्छा डेवलप कंट्री है, वहाँ के लोग काफ़ी अलर्ट है, उनकी कुछ हैबिट्स हैं, देखिए अवेयरनेस है, हाँ अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जापान के लोगों को हैबिट है किसी भी तरह के अर्थक्वेक को फेस करने की, हमने सुनामी में भी देखा था, वो जल्दी उन्होंने रिकवर किया, फिर फुकुशिमा में जो उतना बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ जो हुआ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग, फिर एक सिंक होल भी हो गया था जापान में जो कि तुरंत, और वहाँ पे तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे अर्थक्वेक आना बहुत नॉर्मल है, वहाँ के लोग इन सब को लेकर काफ़ी अलर्ट रहते हैं, और इस तरह की कोई बड़ी बीमारी उन तक पहुँचे इससे पहले वो लोग काफ़ी अलर्ट थे। जापानीज गवर्नमेंट को भी हम लोगों को थोड़ा सा चेयर करना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा हाथों हाथ सब समझा है, और लोग वहाँ काफ़ी अलर्ट रहे, और वहाँ के लोगों में कुछ अच्छी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से उन लोगों ने शुरू में इस चीज़ को एनालाइज कर लिया और काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बढ़ती, जिसकी वजह से कुछ वहाँ केस नहीं आया सामने। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है तन्मय आपसे, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक्सटेंड नहीं करूँगा ज़्यादा वीडियो, लेकिन ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या जनता कर्फ्यू हमारे देश के लिए ज़रूरी है? जनता कर्फ्यू इज एन एसेंशियल नीड। मैं बता रहा हूँ क्यों। भारत में व्यापक पैमाने पर, या कह सकते एक्सटेंसिव पैमाने पर रिसर्च नहीं हो रहे हैं, या हो भी रहे हैं तो काफ़ी कम लेवल, लेकिन हाँ हो रहे हैं। आज ही IIT दिल्ली ने, मैं बता रहा हूँ, एक न्यूज़ आई है कि IIT दिल्ली ने एक बहुत ही चीप टेस्ट
कंडक्ट करने की सोची है और उस पर काम कर रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी लोगों को पता लग पाएगा कि कौन अफेक्टेड है कौन नहीं है। हाँ, जो कि मीडिया में भी आया हुआ है। और भारत में वैक्सीनेशन करना इज नॉट एन ईजी टास्क। हमारी जो पॉपुलेशन है वो कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है, इट्स ए ह्यूज पॉपुलेशन। और अभी अगर कोई ड्रग्स तैयार भी होता है इसको लेकर, तो हाथों हाथ इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि भारत में जो ड्रग सप्लाई है, हमारे यहाँ जो ड्रग है जो बनता है, हाँ, हम लोग जो रॉ मटेरियल लाते हैं वो वुहान से लाते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा एपिडेमिक हुआ है। दिस इज वेरी, इसका मतलब मुझे भी ये जानकारी नहीं थी कि वुहान से जो चाइना में, हाँ हाँ, हम लोग वहाँ से लाते हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो गया तो बहुत जल्दी हमारे इंडिया में भयानक तौर पे मेडिसिनल सप्लाई पर कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि मेडिसिन बनने पूरी तरह से ठप है पिछले कुछ समय से, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा कमी हो गया है। और हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ऐसी परिस्थिति है तो हमें अब इंडिया में इसको डेवलप करने के लिए सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दैट। आगे बताऊंगा कि जनता कर्फ्यू जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं चलेगा काम। अब चलत देखिए कितनी अच्छी तरीके से प्लानिंग हुई पूरी, और आपको मैं कहूँगा काफ़ी सालों बाद पूरी की पूरी इंडिया, स्पेशली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकली आप कहोगे तो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे वर्क टुगेदर। हाँ, और जो कि एक मैंने न्यूज़ में देखा कि एक मीटिंग सा भी हुआ है सीएम और पीएम के बीच, मीटिंग हुआ बहुत सारा स्टेट ऑफ सीएम सारे स्टेट्स के सीएम थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स थे जो हमारे, हाँ, जो यूनियन टेरिटरीज वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, तो सारे लोग आए। और मुझे लगता है जितना ऐसा एनालाइज कर रहा जितना समझ पा रहा हूँ कि मीटिंग में शायद सब कुछ डिसाइड हो गया होगा कि हम लोग, आप सीएम पीएम में ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आप पीएम को कहा गया होगा कि आप पीएम ने खुद डिसाइड किया होगा कि मैं संडे को अनाउंस करूँगा, और संडे को शाम होते होते आप सभी सामने आइए और अनाउंस कीजिए। आपने देखा होगा, आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल बंद कर दिया गया है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने बंद कर लॉकडाउन किया है, बहुत सारा यूपी में कई सारे डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिए गए हैं। और आपको जल्दी न्यूज़ हमारे झारखंड से भी सुनाई देगी। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, हमारे झारखंड में अब तक एक भी केस सामने नहीं आया है, तो झारखंड वासियों को थोड़ी सी अच्छी खबर है कि अभी तक केस सामने नहीं आया है और हमें इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। फिर भी प्रिवेंटिव मेजर्स, बिल्कुल जो भी फेक न्यूज़, फ्रॉड न्यूज़ आ रहा है, बिल्कुल मैं इसको मैं आ रहा था कि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ में मत आइए। WHO की साइट में लगातार विजिट करते रहिए अगर इफ इट्स पॉसिबल, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है उससे बढ़िया साइट आपको नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर ने भी एक नंबर जारी किया, आप उसको देखिए, आप उसकी वेबसाइट में जाइए, आपको सब कुछ हाथों हाथ मिल जाएगा। किसी भी तरह के अफवाह में मत आइए, कोई कुछ भी कहे, सारे इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है कि कोई किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन प्रॉब्लम यही ख़त्म नहीं करनी, हमें प्रॉब्लम के अंदर तक जानी है और हमें समझना है कि फेक न्यूज़ से खुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना कंक्लूडिंग स्पीच दीजिए ये जनता कर्फ्यू के बारे में, इसके बाद मैं वीडियो एंड करूँगा। कंक्लूजन में यही कहूँगा, वी ऑल आर अवेयर, और एज ए यंग सिटीजन, मैं यंग सिटीजन वर्ड को यूज़ करूँगा क्योंकि हमारे इंडिया में करीब 60-65% पॉपुलेशन जो है वो यंग है, हमारी बहुत बड़ा आबादी जो है वो यंग है, और वी आर यंग कंट्री, हम लोग विदेशों में माना जाता है कि इंडिया इज वेरी यंग कंट्री, तो हमारी एक स्पेशल जिम्मेदारी है गाइस, हमारी एक स्पेशल जिम्मेदारी है। अभी तक जो स्टडीज हुई हैं COVID-19 पर वो साफ साफ बता रही है कि इस पर्टिकुलर डिसीज़ के जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, वल्नरेबल आप कह सकते हो, जो लोग हैं वो 65+ हैं, और ऐसे बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल में हैं। आज सुबह में पटना में एक केस हुआ है जहाँ पे एक 38 साल का युवा हमें छोड़ के चला गया COVID-19 की वजह से। तो एज ए यंग सिटीजन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर के सभी एज के लोग को समझाइए कि वो सारे कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, वी ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है उन्हें हम समझाएं, गुस्सा मत होइए क्योंकि हमारे अंदर एक नॉर्मल प्रॉब्लम है कि कोई बात नहीं सुनता तो गुस्सा हो जाता है। एग्रेसिवनेस जो एग्रेसिव को पब्लिक पर समझना, एग्रेसिव को कंट्रोल में रखिए, लोगों को समझाइए और उन्हें ये बताइए कि COVID-19 की एक ही दवाई है, अगर आप सुरक्षित हैं तो हम सभी सुरक्षित हैं। दोस्तों आपको बताना होगा हमारा वीडियो कैसा लगा। तन्मय एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है और साथ में बहुत सारा पॉलिटिकल एनालिस्ट उत्तर देते हैं। मुझे ये जान के खुशी होगी कि आप सबसे पहले, मैंने आपको इनका इंटरव्यू किया, किसी से पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं किया था, अपना भाई से चालू किया। आपको बताना होगा कि ये चैनल में आपका इंटरव्यू कैसा लगा, और आपको इसमें सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए ये कैसा रहा। ठीक है, साइनिंग ऑफ एंड गुड बाय, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्रोपोलिस ऑफ मृणमॉय।
गुड बाय एंड गुड नाइट। कुछ बोलिएगा तो सर बोल दीजिए। पी एम ए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सेफ रखिए। साइनिंग ऑफ एट एक्रोपोलिस ऑफ मिनमॉय, गुड बाय एंड गुड नाइट।